देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको बुलंदशहर की तरफ, जहां पर अबकारी विभाग की टीम ने खुर्जा के बगराई मोड़ पर शराब से भरा कैंटर पकड़ा है। कैंटर से लगभग 250 पेटी अरुणाचल प्रदेश मार्ग का शराब भी बरामद। पुलिस को गुमराह करने के लिए तस्करों ने शराब के ऊपर मुर्गी दाने के लगा रखे थे कंटे। कैंटर का पीछा करने पर वाहन छोड़कर फरार हुए तस्कर। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 12 लाख बताई जा रही है। देवेश इंटरप्राइजेज SCIL लिमिटेड कंपनी IMT मानेसर सेक्टर 3 प्लॉट नंबर 5354 में हरियाणा की इस कंपनी में कर्मचारियों की सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है। जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और अभी तक जून की पेमेंट नहीं आई है। जुलाई की पेमेंट अगस्त 26 से 30 तारीख तक जाकर मिलेगी। ऐसे में यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी अपनी गुजारा नहीं कर पाते। अभी तक इस मानेसर हरियाणा में सैलरी बढ़ाने का कोई प्रावधान भी नहीं है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जिनकी उम्र 15 वर्ष है, पिता का नाम श्री मनोज शुक्ला है, पता SN यादव निकट फ्रेजर स्कूल लाइन बाजार जौनपुर, थाना लाइन बाजार जौनपुर। इनका हुलिया गेहुआ रंग, लंबा चेहरा, नाक कान औसतन है। इनकी लंबाई 5'3" है और इनका पहनावा सूट सलवार चप्पल व स्कूल बैग के साथ है। सूचना समाप्त हुई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जौनपुर के सरपतना थाना क्षेत्र के अंतर्गत पट्टी नरेंद्रपुर भिवराह कला बजरंग शिक्षण संस्थान विद्यालय को कक्षा 8 तक की मान्यता मिली। इसी मौके पर बच्चों ने पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया। इसी बीच प्रबंधक जयप्रकाश मिश्रा ने कहा है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे और पॉलिथीन का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इस मिशन में प्रबंधक जयप्रकाश मिश्रा, जयप्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य इंद्रमणि सिंह, अमित पांडे आदि लोग मौजूद रहे। जैसे कि हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में पर्यावरण पॉलिथीन रहेगी तो हमारा ये वातावरण दूषित होगा, और जब वातावरण जब स्वच्छ होगा तो हमारा परिवार, हमारे क्षेत्र के बच्चे, विद्यालय के बच्चे सब रोग मुक्त हो जाएंगे। आपको मान्यता कब मिली? 2017। आपके सफलता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, विद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति की तरफ अग्रसरित हो रहा है। जैसे कि हमारे दर्शकों को पता है कि पाकिस्तान को एक नई सरकार मिल रही है, एक नया प्रधानमंत्री मिल रहा है। उसने दोस्ती की पेशकश की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष श्रीनगर में PDP बढ़ाने के दिन समारोह में पहुंची महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को उचित प्रस्ताव का जवाब देने के लिए अपील करना चाहती हूँ। महबूबा मुफ्ती ने मोदी से इमरान खान की दोस्ती की पेशकश का जवाब देने को कहा। उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद 335A सभी कश्मीरी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती है। कि हम जवानी द्राय नष्टगी पास द्राय अक्ट वकीलन से यत मन अब्दुल हक साहब जी तेज बिहित इमो वारिया अहम रोल को रहता दिल्ली में आज भाजपा ये यूमिस प्राइम मिनिस्टर समकुन तेमिस वनम वनी कर से तो वनम। खबरों का सिलसिला आज यही समाप्त होता है, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।